रहा हूँ कि हमारे साथ दिल्ली से मोहतरम जनाब डॉक्टर अहमद अली बरकी आजमी साहब तशरीफ फरमाए, और बरकी आजमी साहब को मैं अब दावत कलाम देने जा रहा हूँ। और बरकी आजमी साहब की क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे अशार कहते हैं, और मैं उनके दो अशार से उनको दावत कलाम दूंगा। देखिएगा किस अंदाज से बात करते हैं बरकी आजमी साहब की क्या बात। हमारे मुशायरों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाबंदी के साथ शरीक होते हैं। खल्लाके कायनात की हमदो सना के बाद, खल्लाके कायनात की हमदो सना के बाद मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, अल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाके कायनात की हमदो सना के बाद मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। वजह वजूद आलम इमकान है उनकी जात, उनसे अजीम तर नहीं कोई खुदा के बाद। क्या कहना, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम जनाब अहमद अली बरकी आजमी साहब से अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना कलाम भेजिए। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और तशरीफ लाइए अपना कलाम। जी अहमद अली बरकी जी फरमाइए। पहले एक हम समाज फरमाए मुनाजात, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू ही आलम आरा परवरदिगार आलम, ऐ तू ही आलम आरा परवरदिगार आलम, हमारा परवरदिगार आलम हरसु तेरा नजारा परवरदिगार आलम। क्या अच्छा गाया भाई, हरसु तेरा नजारा हरसु तेरा नजारा परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह, कैसे करूं गुजारा शुक्रिया, कैसे करूं गुजारा परवरदिगार आलम, कैसे करूं गुजारा परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम बस है तेरा सहारा परवरदिगार आलम, तेरा सहारा परवरदिगार आलम, मुख्तार कुल तू ही है मोहताज सब है तेरे, मुख्तार कुल तू ही है मोहताज सब है तेरे, कुछ भी नहीं हमारा परवरदिगार आलम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हमारा कुछ भी नहीं हमारा परवरदिगार आलम। फजलो करम से अपने तू बख्श दे वो मुझको, फजलो करम से अपने तू बख्श दे वो मुझको, जो हो तुझे गवारा परवरदिगार आलम, जो हो तुझे गवारा परवरदिगार आलम। ऐ बहरे बेकरा में जिसका घिरा सफीना, ऐ बहरे बेकरा में जिसका घिरा सफीना, मिल्लत से बेसहारा परवरदिगार आलम, मिल्लत से बेसहारा परवरदिगार आलम। शुक्रिया, मैं गुल समझ रहा था जोशे जुनून जिसको, मैं गुल समझ रहा था जोशे जुनूब जिसको, है मिसले संगे खारा परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या अच्छा गा रहा है, क्या अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। मैं गुल समझ रहा था जोशे जुनूब जिसको, है मिसले संगे खारा परवरदिगार आलम, कर सकता है मुसख्खर दिल को, कर सकता है मुसख्खर तू दिल को उसके जिससे, कर सकता है मुसख्खर तू दिल को उसके जिससे, मैं जीत कर भी हारा परवरदिगार आलम, जीत कर भी हारा परवरदिगार आलम, जीत कर भी हारा परवरदिगार आलम। इधर मुद्दा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इधर मुद्दा क्या अपना करूं मैं तुझसे, इधर मुद्दा क्या अपना करूं मैं तुझसे, है तुझ पे आशकारा परवरदिगार आलम, है तुझ पे आशकारा परवरदिगार आलम, फजलो करम का तेरे मोहताज है बरकी, फजलो करम का तेरे मोहताज है ये बरकी, बंजो अलम का मारा परवरदिगार आलम। क्या बात है, क्या बात है, मारा परवरदिगार आलम, तू ही है आलम आरा परवरदिगार आलम, हर तू तेरा नजारा परवरदिगार आलम। नाथ के चंचे तौर पर जी अहमद अली बरकी भाई, एक छोटा सा मैं ऐलान करते चलूं, हमारे डॉक्टर कमर अल्ताफ साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं और वो एक नाथ के ऊपर अपना नंबर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने फरमाइश ये की कि मैं सबसे कह दूं आज के प्रोग्राम में शरीक इस वक्त सबसे ज्यादा शोरा शुरा मौजूद है, ये सब अपनी दो दो नाते और अगर चाहें तो हमद भी हमारे डॉक्टर कमर अल्ताफ साहब को अपने व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हैं, डॉक्टर कमर अल्ताफ साहब, ठीक है, इनशाला उनका व्हाट्सएप नंबर याद कीजिएगा। जी मैं आपको समाप्त फरमाए जी, नाथ के चंद शेर, साये दामने मुस्तफा चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए,
और इसके सिवा मुझको क्या चाहिए, क्या बात है, इसके सिवा मुझको क्या चाहिए, साजे दामने मुस्तफा चाहिए और इसके सिवा मुझको क्या चाहिए, ना कोई से फैजान हासिल करें, ना कोई से फैजान हासिल करें, हर फुलब को अगर मर्तबा चाहिए, हसन की पैरवी कीजिए, दर्द हसन की पैरवी कीजिए, दर रसूल खुदा की रिदा चाहिए, रिदा चाहिए, दर्द हसन की पैरवी कीजिए, दर रसूल खुदा की रिदा चाहिए, शायरी की है मेराज नाते नबी, शायरी की है मेराज नाते नबी, ना कोई में हुस्ने अदा चाहिए, हुस्ने अदा चाहिए, नाज से बढ़ के कोई वसीला नहीं, नाज से बढ़ के कोई वसीला नहीं, कोई वसीला नहीं, आपको अगर खुदा की रजा चाहिए, कोई से बढ़कर कोई वसीला नहीं। इस शेर के साथ एक वाजे बात आप सबके इल्म में होगी, वो बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया का सिर्फ एक अमल ऐसा है जिसमें कांधे का दोनों फरिश्ते हरकत करते हैं, तो वो अमल है दुरूद शरीफ के पढ़ने का। दुरूद शरीफ बिल्कुल। तो एक फरिश्ता जो है 10 नेकियां लिखने के लिए उठता है और दूसरा फरिश्ता 10 बुराइयां उसकी काट देता है। सिर्फ और सिर्फ एक अमल है दुरूद शरीफ पढ़ने का। नाज से बढ़ के कोई वसीला नहीं, नाज से बढ़ के कोई वसीला नहीं, आपको अगर खुदा की रजा चाहिए, आपको अगर खुदा की रजा चाहिए, कीजिए जिक्र रब और महबूब रब, कीजिए जिक्र रब और महबूब रब, बंदगी का अगर कुछ सिला चाहिए, बंदगी का अगर कुछ सिला चाहिए, कीजिए जिक्र रब और महबूब रब, बंदगी का अगर कुछ सिला चाहिए, क्यों है खामोश बरकी लबों पर तेरे, क्यों है खामोश बरकी लबों पर तेरे, जिक्र महबूब हक बरमला चाहिए, जिक्र महबूब हक बरमला चाहिए, साहे दामन मुस्तफा चाहिए और उसके सलाम क्या चाहिए। शुक्रिया।